हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, मैं रूबी शर्मा आज फिर से उपस्थित हूँ इस सीरीज के सातवें वीडियो के साथ, जिसमें आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर से संबंधित जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित 50 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। गाइज, ये हिंदी में है और इसके पहले भी मैंने 6 वीडियो दे दिया है। आशा है आप लोग आप लोगों ने उसका भी अध्ययन अच्छे से किया होगा और ये जो मेरा ये सातवां वीडियो है इस सीरीज का, उसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चंस को याद करेंगे। समय को न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो POI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो POA के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन है RS पाल, राज सुकुमार पाल, सुकुमार राजपाल या फिर निवासी द्वारा घोषित, अर्थात निवासी ने जो घोषित किया है। आंसर भी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी निवासी द्वारा घोषित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? यानी एक ऑपरेटर को सबसे पहले अपना दिन शुरू करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पहला, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय वर्तमान दिनांक और समय है, या फिर GPS कोऑर्डिनेट कैप्चर करें, या क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजें, या सुनिश्चित करें कि लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है। ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, या फिर पहला और तीसरा, या तीसरा और चौथा, या प्रथम द्वितीय और चौथा, यानी पहला दूसरा और चौथा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रथम द्वितीय और चतुर्थ, अर्थात सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय वर्तमान दिनांक और समय है, फिर GPS कोऑर्डिनेट कैप्चर करें, और सुनिश्चित करें कि लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है, क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऑप्शन है सुविधा शुल्क, रजिस्ट्रार शुल्क, पर्यवेक्षक का शुल्क, या फिर परिचयकर्ता का शुल्क। तो यहाँ प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु सुविधा शुल्क, जी हाँ, इसे ही सुविधा शुल्क कहा जाता है, यही राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को नामांकित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है अद्यतन क्लाइंट लाइट, या ECMP, या फिर CELP, या दिए गए में से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी अद्यतन क्लाइंट लाइट, ठीक है, इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा
निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश आयु और डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह ऑप्शन है 2 साल और 12 साल, 5 साल और 15 साल, 10 साल और 18 साल या फिर 4 साल और 16 साल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी 5 साल और 15 साल। ठीक है, यानी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 5 साल और 15 साल आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन है, नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, या फिर समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, या सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें, या फिर दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दिए गए सभी विकल्प। नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, या फिर या और सभी दस्तावेज नामांकन के बाद वापिस करें निवासी को। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दिए गए सभी विकल्प। ये चारों जो है वो आवश्यक होता है एक ऑपरेटर के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक सीईएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है। सीईएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन है, केवल नामांकन या अद्यतन प्रपत्र की जांच करना, या फिर केवल नामांकन या अद्यतन करना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ प्रपत्र की जांच करना ही नहीं होता, बल्कि सीईएलसी का ऑपरेटर की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी होती है केवल नामांकन या अद्यतन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है, क्लाइंट लाइट का अद्यतन, ECMP या CELP या फिर API। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ECMP। ठीक है, यानी ECMP सॉफ्टवेयर में के द्वारा ही जनसंख्यिकीय बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक सीईएलसी ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए। ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, या फिर कंप्यूटर की मूल जानकारी में सर्टिफिकेट, या सीईएलसी ऑपरेटर सर्टिफिकेट, या फिर नामांकन संचालक प्रमाण पत्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा, सीईएलसी ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी ये जो प्रमाण पत्र है ये एक सीईएलसी ऑपरेटर ने प्राप्त किया है या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। ऑप्शन है, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, या परिचयकर्ता का कोई आपराशिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, या परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, और चौथा, परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और पांचवा, परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, या फिर पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, या दूसरा और चौथा, और या फिर दूसरा, चौथा और पांचवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि परिचयकर्ता का रजिस्ट्रार से भी जुड़ा होना चाहिए, और परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, परिचयकर्ता
18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। बिल्कुल, सत्यापनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि POI और POA जो दस्तावेज है दोनों प्रकार के, दोनों में जो नाम अंकित है वो दोनों बिल्कुल एक होना चाहिए या दोनों मेल खाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाता है? ऑप्शन है बच्चे का नाम या कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष और उससे अधिक है, या माँ का नाम या फिर परिवार का मुखिया। किसका नाम दिया जाना चाहिए केयर ऑफ में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर यानी परिवार का मुखिया, इसी का नाम केयर ऑफ की जगह में देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? ऑप्शन है माता पिता का आधार नंबर, या माता पिता की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, या फिर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, या फिर एक परिचयकर्ता से परिचय। तो यहाँ बच्चे के नामांकन की बात हो रही है, तो बच्चे के नामांकन के समय उसके माता पिता का आधार नंबर अनिवार्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ना कि माता पिता की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र या फिर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर ही होने चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि एक परिचयकर्ता से परिचय होना चाहिए। यहाँ बच्चे के नामांकन की बात है, तो बच्चे के नामांकन के लिए उसके माता पिता का आधार नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से अस्वीकार्य कृत्य है? ऑप्शन है आधार के लिए नामांकन के लिए एक निवासी की मदद करना, या फिर आधार ऑपरेटर से निवासी का परिचय, या पहचान और निवासी के पते की पुष्टि करना, या फिर अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। तो यहाँ परिचयकर्ता की तरफ से अस्वीकृत कार्य को कहा गया है। तो अस्वीकार्य जो कृत्य है वो यही होगा कि अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। ऑप्शन है सच या झूठ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला यानी सच। परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। आंसर होगा बिल्कुल सच। अगला क्वेश्चन है, डैश नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। ऑप्शन है बायोमेट्रिक, या लेखा परीक्षा, या फिर पहचान का प्रमाण, या निवासी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर निवासी। ठीक है, यानी निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन है निवासी विवरण का डाटाबेस, या नामांकन आईडी, या फिर पैनल के लिए अनुरोध, या नामांकन एजेंसी कोड। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर यानी नामांकन एजेंसी कोड। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा डैश का पालन करेंगी। किसका पालन करेंगी? ऑप्शन है आचार विचार, या आचार संहिता, या मान, या फिर दिशा निर्देश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आचार संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है
तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के लिए करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश करना होगा। क्या करना होगा? तो ऑप्शन है अपने मूल प्रमाण पत्र POI प्रदान करना, या फिर निवासी के साइन नामांकन प्रपत्र, या एक लिखित सहमति देना, या फिर दिए गए विकल्पों में से सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा, एक लिखित सहमति देना। परिचयकर्ता होने के लिए एक लिखित सहमति देना होगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन है सच या झूठ। आंसर होगा बिल्कुल इसका सच, यानी रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी सच। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। जी नहीं, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का अन्य किसी भी उद्देश्य से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। क्या होगा इसका आंसर? यानी रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है, तो इसका आंसर होगा भी बिल्कुल झूठ। ठीक है, यानी रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा? ऑप्शन है रजिस्ट्रार, प्रेक्षकों, निवासी या एजेंसी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निवासी। ठीक है, यानी सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास निवासी करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। कौन सूचीबद्ध करेगा? ऑप्शन है RFE प्रक्रिया, प्रेक्षक, रजिस्ट्रार या UIDAI। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्राधिकरण जो है वो ओपन RFE प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओपन RFE प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं। ऑप्शन है अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। क्या ये सच है या झूठ है? यानी रजिस्ट्रार जो है वो क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला, यानी सच, बिल्कुल अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को डैश के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन दिए हुए हैं UIDAI, आधार, CIDR या DIT। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा, CIDR। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार जो है वो सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। जी नहीं, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ।
अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन, नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, ये है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सच। सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन, नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। ऑप्शन है CSC ई गवर्नेंस सेवाएं, या समझौता ज्ञापन या समझौते, या फिर फील्ड स्तर निष्पादन, या ऑनलाइन मोड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू सेकंड वाला, यानी समझौता ज्ञापन या समझौते। ठीक है, यानी प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे समझौता ज्ञापन या समझौते के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन है सेवा प्रदाता, नामांकन एजेंसियों, रजिस्ट्रार या पर्यवेक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा, रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है वह क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा, यानी किस पर जानकारी अपलोड करने के अलावा रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला यानी CIDR पर अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग, यानी नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसियों पर बोर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन है एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड, या फिर विशिष्ट सत्यापन कोड, या नामांकन एजेंसी कोड, या फिर पहचान संख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री यानी तीसरा, नामांकन एजेंसी कोड। प्राधिकरण एक नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसियों पर बोर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। ऑप्शन है अध्यक्ष, सदस्य सचिव, या फिर सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि या नामांकन एजेंसियों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, नामांकन एजेंसियों। यानी अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक या एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दो दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। ऑप्शन है केंद्रीय पहचान डेटा भंडार, या नामांकन आईडी, या फिर पैनल के लिए अनुरोध, या नामांकन एजेंसी कोड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पैनल के लिए अनुरोध। यानी प्राधिकरण एक
पैनल के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिनियमन प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। ऑप्शन है क्रियान्वयन, तत्काल निलंबन, दंड या समाप्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी तत्काल निलंबन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिनियमन प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का तत्काल निलंबन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा, यानी किसके नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा प्राधिकरण। ऑप्शन है रजिस्ट्रार, एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करना, या फिर नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों, या फिर दिए गए सब के सब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्राधिकरण जो है वो रजिस्ट्रार के नामांकन गतिविधियों के भी निगरानी करेगा, एजेंसी और ऑपरेटरों को भी नामांकित करेगा, और नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों की गतिविधियों का भी निगरानी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। ऑप्शन है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों, या फिर अन्य सेवा प्रदाताओं, या रजिस्ट्रार, या फिर CIDR। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अन्य सेवा प्रदाताओं, अर्थात अन्य सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण डैश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। ऑप्शन है लेखांकन, वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षा या अनुपालन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा, लेखा परीक्षा। रजिस्ट्रार प्राधिकरण लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन है, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। ऑप्शन है NRI, अधिकृत व्यक्ति, निवासी या प्रेक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा, निवासी। ठीक है, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें निवासी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं। ऑप्शन है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, उनके अधीन एजेंसियों, या फिर केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं या दिए गए सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के
उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन है सदस्य सचिव, सेवा प्रदाता, तीसरे पक्ष या फिर प्रेक्षक। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी थर्ड, तीसरे पक्ष। रजिस्ट्रार एजेंसियों को तीसरे पक्ष में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक या पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, सच है या झूठ? एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक या पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला, सच। अगला क्वेश्चन है एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करें, क्या ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, इसमें रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला, सच। अगला क्वेश्चन है एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, नामांकन एजेंसी के नाम और कोड का। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक यानी पहला, सच, यानी एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं, एस्केलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा? केंद्र पता, ईए नाम और कोड, सब्सक्राइबर नाम और संपर्क संख्या, यूआईडीएआई अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर यानी पहला और दूसरा, ठीक है, अर्थात केंद्र पता और ईए नाम और कोड, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ कुछ मदें दी गई हैं, केंद्र का पता, ईए का नाम और कोड, ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, रजिस्ट्रार या नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या, इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा, यानी पहला और तीसरा, पहला और चौथा, पहला तीसरा और चौथा या फिर पहला और दूसरा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी थर्ड, यानी पहला, तीसरा और चौथा, अर्थात केंद्र का पता, ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या और रजिस्ट्रार या नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। अगला क्वेश्चन है यहाँ कुछ मदें दी गई हैं, केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या और रजिस्ट्रार या नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या, इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? ऑप्शन है पहला और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा या फिर पहला और दूसरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यानी सेकंड, पहला दूसरा और चौथा, अर्थात केंद्र का पता, ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या और रजिस्ट्रार या नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। अगला क्वेश्चन है यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं, केंद्र पता, ऑपरेटर नाम और संपर्क संख्या, संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या, इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा? ऑप्शन है पहला और दूसरा, पहला दूसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा या फिर पहला तीसरा और चौथा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर यानी पहला तीसरा और चौथा, अर्थात केंद्र पता, संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ और रजिस्ट्रार या नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। अगला क्वेश्चन है यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा, बिल्कुल ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला, सच।
अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकन करता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो तो यह एक डैश और इसके निपटान की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा यह एक अपवाद है और इसके निपटान की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th यानी अपवाद। अर्थात यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकन करता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो तो यह एक अपवाद है और इसके निपटान की आवश्यकता है। चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में यानी मेरे 8वें वीडियो में। तब तक के लिए